नमस्कार, प्रदेश समाचार में अपने सब बोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह के निधन मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह के निधन करीब 2 महीना से लिवर कैंसर से पीड़ित डॉक्टर शाह के दिल्ली के एक अस्पताल में आई बीतर इलाज के क्रम में निधन भी पारिवारिक स्रोत जानकारी दिलक है। काठमांडू में इलाज संभव नहीं दिला के बाद एक हफ्ता पहले जिनका दिल्ली ल जाग गया सल ओ मधेश में एक चर्चित कुशल अनुभवी नशा तथा हार्ट जोड़नी रोग विशेषज्ञ समेत रह सलन। 3 वर्ष पहले जिनका मधेश प्रदेश सरकार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना क के उप कुलपति में डॉक्टर शाह के नियुक्त कने। देश भर गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मानसून यान नजदीक एलो पर वर्षा कराव जलवायु जन्य गतिविधि निष्क्रिय बनला के बाद तापक्रम बढ़ल जानकारी दिलक है। तराई के अधिक क्षेत्र में आगामी 5 दिन धर सेहो लू चलब महाशाखा जारी कने विशेष बुलेटिन में उल्लेख रहा है। अखन तराई में 1.5 हफ्ता से चल रहा लू अर्थात गर्म हवा पश्चिम तराई धर समेत फैलल है। लू 5 दिन यथावत रह आंकलन से क्या गया महाशाखा निकाले बुलेटिन में गर्म हवा तथा लू से बचे अत्यावश्यक काज बाहे घर से नहीं निकल सुझाव समेत दिल गया। निकल पड़ल तो माथ झाँप बेर बेर पानी व झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रा में पिया हल्का प्रकार के सूती के कपड़ा लगाव समेत कहल गया। बुलेटिन में गर्म हवा तथा लू से थकाय लाग अधिक प्यास लाग माथ दुखनाई पैर दुखनाई चक्कर एनाई बेहोश एनाई आ मांसपेशी सब दुखनाई संगे बांता एनाई आदि लक्षण देखल गेल उल्लेख कैल गया। ई लक्षण देखल गेल तो स्वास्थ्य संस्था जाय व स्वास्थ्य कर्मी के परामर्श लेब महाशाखा सुझाव समेत दिलक है। शुरू में मध्य तराई अर्थात पर्सा से लक बहिरावा क्षेत्र धर लू चलर में अखन विस्तार भक पश्चिम नेपालगंज आ पूर्व में मोरंग धर फैल है। अखन तराई में औसत अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस रहल मुदा बुध दिन नवलपुर के दुमकौली क्षेत्र में अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन कैल गया। एना पहाड़ी क्षेत्र में साँझ आ भिनसर में हल्का बदली आ छिटफुट वर्षा भेल संगे काठमांडू सहित के पहाड़ी भूभाग उपत्यका तथा खोज में समेत तापक्रम उच्च देखल गया। जनकपुर से मोटरसाइकिल चोरा के भाग रहा आरोप में एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेल गया। नियंत्रण में रहा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 3 के 36 वर्षक देवेंद्र मंडल रहा सैन। धनसापुरी प्रवक्ता DSP वेद प्रसाद गौतम के अनुसार बीतल सांझ 5:45 बजे के समय में रेलवे स्टेशन तरकारी बाजार नजदीक स्थानीय अजय सिंह के जो 1 पर 58 14 नंबर के मोटरसाइकिल चोरी कैल गया सन। चोरी क के भाग रहा अवस्था में मंडल के नियंत्रण में लेब प्रहरी सफल सलन। मंडल 3 दिन पहले ही साइकिल चोरी आरोप में धरोटी में रिहा सर। परसा प्रहरी पतंजलि आयुर्वेद प्राणी में जागीर लगा दे प्रलोभन द कर ठगी के आरोप में एक गोटे के नियंत्रण में लेने है। नियंत्रण में रहा परसा बहुदर माई नगरपालिका 5 के 25 वर्षक अंकेश कुशवाहा रह सैन। 2079 सन 5 गते परसा वृंदावासिनी गाँव पालिका 4 के 20 वर्षक अमन चौरसिया के कुशवाहा पतंजलि आयुर्वेदिक प्रणाली में कामदार के आवश्यकता रहल आ अपने अही कंपनी के सुपरवाइजर पद में कार्यरत रहल कहत अही कंपनी के नकली परिचय पत्र देखा कर 25,000 रुपया ठगी केने आरोप रहल। अंकेश अमन के अपने बैंक खाता में 25,000 रुपया जमा करौले छल तो अमन जेठ 16 गते जिला प्रहरी कार्यालय परसा में ठगी संबंधी कसूर मुद्दा के जाहिरी दरखास्त देने बाद खोज तलाश कैल गेल क्रम में प्रहरी अंकेश के मंगल दिन हिनकर घरे से नियंत्रण में लेने छल। इस संबंध में थप अनुसंधान कार्य भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता DSP दीपक गिरी जानकारी दिल। बरसात के समय में बाट नहीं खन आ खनन के कार्यवाही कैल जाए। सड़क विभाग अंतर्गत के संघीय सड़क सुपरिवेशन तथा अनुगमन कार्यालय वर्षयान में बाट खन स्वीकृति नहीं देव संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर जबरदस्ती कैल गया कार्यवाही कर जानकारी दिलक है। जारी सूचना अनुसार
असार एक गते से भादो मसान से धेरे बाट खन नहीं सकत त असार एक गते से भादो मसान धेर के अवधि में संघीय सड़क सूफी विकसन तथा अनुगमन कार्यालय काठमांडू आ सड़क डिवीजन सब माथाती कोनो सड़क खन स्वीकृति नहीं देव विभाग जानकारी दिलक है। बरसैया में धारा डल बिजली टेलीफोन आदि प्रयोजन के लिए बाट खनल गया तत्काल मरम्मत संभार यथास्थिति में आन नहीं सकल संगे सड़क सेहो थप बिगड़ित गया से यही 2060 साल असार एक गते से 2080 साल भादो मसान्त धरि कार्यालय अंतर्गत के सड़क डिवीजन सब माथात रहल कोनो सड़क नहीं खन संगे जारी सूचना में कहल गया है। कोई गोटे जबरदस्ती सड़क खुलन त सार्वजनिक सड़क इन अनुसार कड़ा कार्यवाही कर सरकार चेतावनी समिति दिलक है। महोतरी जिला में स्थानीय तह सब दवाई खरीद में अनियमितता के तथ्य खुजल है। खरीद मूल्य दवाई व्यवस्थापन विभाग टोकरी न्यूनतम खरीद मूल्य से अधिक राखल गेल आ किछ दवाई GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणित नहीं रहल कंपनी रहला से अनियमितता छानबीन के मांग कैल गेल है। आपूर्तिकर्ता सबके मेल मिलाप में महक दर राय के स्थानीय तह के दवाई आपूर्ति करे जाए। आर्थिक वर्ष 2079-80 में संघीय सरकार के सशक्त अनुदान अंतर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक दवाई खरीद शीर्षक में गौशाला नगर पालिका 21,40,000, जलेश्वर नगर पालिका 24,20,000, बर्दिवास नगर पालिका 21,60,000 अना और ही नगर पालिका 21,40,000, बलुआ नगर पालिका 21,30,000, भंगा नगर पालिका 20,30,000 अना, मटिहानी नगर पालिका 21,20,000, मुनरा नगर पालिका 20,10,000 संगे राम गोपालपुर नगर पालिका 21,40,000, लोहरपट्टी नगर पालिका 21,30,000 आ एकडारा गाँव पालिका 20,30,000 संगे त्रिपुरा गाँव पालिका 19,30,000 आ मौतरी गाँव पालिका 21,30,000 संगे शमसी गाँव पालिका 21,40,000 आ सुनवा गाँव पालिका 19,20,000 रुपया के दवाई खरीद नगर पालिका सप्लायर्स के टिप्पणी आदेश के भर में कार्य आदेश देने देखल गेल त कतेको स्थानीय त गोप्य टेंडर के आधार में खरीद के ने भेटल अच्छे। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार शनि दिन के लिए बसल गेल अच्छे। जेठ 27 गति शनि दिन दोपहर 1 बजे के लिए बजायल गेल बैसार में विधान अधिवेशन के तैयारी आ समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल कैल जायत। पार्टी कार्यालय में बैसर लागल बैसार में सरकार में रहल मंत्री के काम, गठबंधन सरकार के समीक्षा से लक पार्टी के संगठन धरि के विषय में छलफल हेत स्रोत जानकारी दिलक है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिर सिन्हा बजट ऊपर के छलफल के क्रम में सांसद सब रखने प्रश्न आ जिज्ञासा रिपोर्ट कर अर्थ मंत्रालय के उप सचिव से ऊपर स्तर के कर्मचारी राख पर निर्देशन देने शामिल। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद सब बजट ऊपर के छलफल के क्रम में मंत्री उपस्थित नहीं भेल कहित आपत्ति जनने बाद अध्यक्ष तिमिर सिन्हा मंत्रालय के उप सचिव से ऊपर स्तर के कर्मचारी राख कर रिपोर्ट कर व्यवस्था कर निर्देशन दिलक। बजट ऊपर के सामान्य छलफल एके बेर दुनू सदन में चल व्यवस्था रहला से एहन अवस्था में दुनू दिस एके गोटे मंत्री के तकनाय बात व्यवहारिक नहीं रहल हिनकर कहब रहल सन। अय के मद्देनजर करते सांसद सबके बात रिपोर्ट कर कर्मचारी राख ओ निर्देशन देने सैथ प्रश्न गर्न चाहन्छु र खास गरी राजस्वको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल एकैपटक दुवै सदनतिर चल्ने यो व्यवस्था नै हो। यस्तो अवस्थामा एकजना मन्त्रीलाई दुवैतिर खोज्दा त पक्कै पनि पाउन सकिँदैन। यसकारण हामी व्यवहारिक हिसाबले सरकारको मन्त्री अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ, नहुँदा नचल्ने हाम्रो परम्परा पनि हो र यो विषय अझै गम्भीर छँदैछ। र म नेपाल सरकार खास गरी अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवभन्दा माथिल्लो स्तरका अधिकृत अनिवार्य रूपमा नोट गरेर त्यहाँ बस्नु पर्यो। यहाँको यो चाहिँ नोट नगर्दाखेरि यसको जवाब कसरी दिन सक्छ?
यस कारण बैठक सुरु भएबाट अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको यो विषयमा छलफल हुँदा उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको अधिकृत अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि यहाँ बसेर सबै रिपोर्ट टिपोर्टहरू गर्नु पर्यो। म यो निर्देशन दिन्छु। सदन चलेको बेला यसै पहिले वैशालमा हिमालयकै सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ बजेट उपरि जारी छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति नै रहल कहैत नियम प्रति केने छलनि। नियमावलीमा कोनो विषयमा छलफल चलि रहल समयमा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुव पर व्यवस्था रहल उल्लेख करैत ओ मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र बैठक सञ्चालन गर्न लेल माग केलक। अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि यहाँ बसेर समय लिएर बोलेको बेला सत्तापक्षकै मान्य सांसदज्यूले नियमावती गरेर मन्त्रीजीको उपस्थिति छैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर मैले पनि त्यही रस्तुमबाट उभिएर के भनेको थिएँ भन्दा सर्ट टाइमको निम्ति मान्य मन्त्रीजी बाहिर जानुभएको होला भन्ने लागेको चाहिँ थियो। तर पनि बिचमा चाहिँ म बोल्दै गर्दा चाहिँ बिचमा चाहिँ नियमावती गरिसकेपछि मन्त्रीको उपस्थिति चाहिँ भएन र एकातिर बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफल गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का सन्दर्भमा हामी छलफल गरेका चाहिँ छौँ। मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भनेर हाम्रो नियमले चाहिँ भन्छ र मन्त्रीको उपस्थिति बिना चाहिँ बैठक नचलाइयोस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण गर्दाखेरि पनि मन्त्री आइहाल्नुहुन्छ भनेर कस्तो स्थिति भयो भने सत्तापक्षकै मान्यज्यूहरू मन्त्रीको खोजीमा दौडादौड भएको स्थिति चाहिँ रह्यो। त्यस्तो स्थितिमा बैठक चाहिँ अगाडि चाहिँ भयो। अब यही रूपमा चाहिँ बैठक चाहिँ अगाडि बढाउने हो यसरी नै चलाउने चाहिँ हो भने वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नियमावलीको संसदको गरिमा पनि गर्ने नियमावली व्यवस्था गरे अनुरूप पनि मान्य मन्त्रीज्यूहरू नचल्ने हो भने नेकपा एमाले यस किसिमको सदन चलाउने चाहिँ सवालमाथि हामी चाहिँ बैठकमा सहभागी चाहिँ भएर बैठक चलाउने कुरामाथि मन्त्रीज्यूको अनुपस्थिति बिना बैठक चलाउने कुराको विषयमाथि हामी गम्भीर छौँ। श्रेष्ठ बुद्धिनीके वैशालमा सेहो अपने एहि विषयमे ध्यान आकर्षण गरेनी आ सत्तापक्षके सांसद सेहो एहि विषयको उठेनी स्थिरण परौलाइत व्यस्त पूर्ण समाचार अखनके लेल एतबा पुनर्दश समाचार लोक उपस्थित बेटा करब तथ्य दिनके लेल हम सपना बेदा मंगै छी। देखैत रही टीवी 2 डे जनक फोन। नमस्कार।